फ्रेंड, आज मैं मशरूम की सब्जी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे पिहरी भी कहा जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 किलो पिहरी लिया है। ये देखिए छोटी साइज की है ये। इसमें मिट्टी भी लगी हुई है। हम इसको हटाने के लिए एक टब में पानी डालेंगे और जो मशरूम है उसे डाल देंगे। डालने के बाद इसे हल्का डुबा देंगे और ऊपर से और भी पानी डाल देंगे ताकि इसकी पूरी मिट्टी निकलकर साफ हो जाए। इसे हाथों से मिसलकर धुल लेंगे। फिर यहाँ पर हमने अदरक, ये देखिए अदरक लिया है, हरी मिर्च 5-8, लहसुन कली 3, प्याज इसे बारीक काट लिया है, इसे हम पीस लेंगे। ये हमारी अदरक लहसुन मिर्ची पिस चुकी है और हमारे मशरूम भी कट कर तैयार हो गई हैं। हमने धुल कर इसे काट लिया है। इसे अब बनाएंगे। एक कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर 2 बड़ी इलायची, 3 तेज़पत्ता डालकर जो प्याज का पेस्ट लहसुन का था उसे डालेंगे और चम्मच चलाकर उसे अच्छे से भूंजेंगे। जब हमारी ये लहसुन प्याज अदरक की पेस्ट पक जाए, अच्छे से ब्राउन हो जाए, इसकी कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और टमाटर डालकर अच्छे से भूंजेंगे ताकि हमारी टमाटर हल्की पक जाए। ये देखिए टमाटर पक चुकी है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और चम्मच चलाएंगे। ये सब भुन जाए तो हम इसमें कटी हुई जो मशरूम थे उसे डालकर अच्छे से मिलाएंगे ताकि पूरा मसाला इसमें मिल जाए। ये देखिए हम इसे अब 10 मिनट के लिए ढक देंगे। दस मिनट पूरे हो चुके हैं। हमारी सब्जी देखिए हल्की पक गई है। हम इसमें हल्के पानी डालकर 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। हमारी मशरूम की सब्जी पक गई है। ये देखिए हमारी मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इसे आप भी बना कर देखिए।